पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो पैर टेढ़े होते हैं, बिंगे बोलते हैं पंजाबी में, डॉक्टर साहब ये तो पैर पूरे तिरछे हो गए, सीधे हो जाएंगे। अरे सर आपको कल आज ऑपरेशन कराइए और कल देखिए आप सीधे चल रहे होंगे, फोटो खींच के रख लीजिए। तो होता भी है, हूँ तो ऑपरेशन लंबा बहुत बढ़िया हो गया जी, हूँ तो वाहगुरु ने मेहर करती, चलने वाले होगा साल जो कड़ने आराम ना कड़ा गए। कई साल तो चली नहीं है, मैं 3-4 साल हो गए चले नहीं जाता बिल्कुल भी है। हाँ तो अब ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ? हाँ, महसूस हुआ थोड़ा सा, नहाने फेर आए इनने। हाँ फिर ही फेर जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ डॉक्टर साहब ने बोला कुछ था, हुआ कुछ ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर भानु सलूजा ने कहा हो कि हाँ अगर कोई आए कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी तारीफ कर दे? नहीं, उन्होंने ये कहा था जैसा आपको लगे वैसा ही बोलना। डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपसे कि ज्यादा चीरा बड़ा चीरा लगेगा या कौन? सब नहीं इतना कहते ना। आपको डॉक्टर साहब पे भरोसा था? बिल्कुल भरोसा था, ही आए इतनी दूर। कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर भानु सलूजा ने बोला कि मेरे पास कोई आए तो बोल देना? नहीं नहीं ऐसी बात, थोड़ी मेरी तारीफ कर देना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, उनको जो भी पूछो वो बिल्कुल जवाब सही देते हैं। दिखा सकते हैं आप, अगर आप मैं आपको बोलूं कि हाँ चल के दिखाओ तो आप दिखा? दिखा सकते, दिखाइए जरा आप। कैसे करते हैं घुटनों की रिप्लेसमेंट जो है वो कैसे करते हैं आप, क्या तरीका है आपका? डॉक्टर भानु सलूजा जो रीसर्फेसिंग कर रहे हैं वो दूसरे डॉक्टर से कैसे अलग है और कितनी बेहतर है? कईयों को देखता हूँ लिखते हुए नो आईसीयू स्टे, तो ये चीजें मैं आज नहीं, मैं 2015 से कर रहा हूँ, जब मेरा पेशेंट 4-6 घंटे में चल के अपने कमरे में पहुंच जाता था। 20-25 हज़ार सर्जरीज का एक्सपीरियंस लेके फिर उतरे मैदान में। आपने जो बातें कही उनकी हम जांच पड़ताल खुद मरीजों से बात करके करेंगे, मरीज क्या कहते हैं, फिर आपकी बातों की सच्चाई जो है वो सामने आएगी। डॉक्टर साहब डॉक्टर आते हैं खुद देखने के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ ऑपरेशन करने के बाद चले गए फिर आए ना हो देखने? नहीं, नहीं आए हैं। आप जो ऑपरेशन करते हैं किस तरीके से करते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो आप यूज करते हैं? तो मैं रोबो आई से भी करता हूँ, मैं रोबो 3D से भी करता हूँ, मैं रोबो आर्म से भी करता हूँ, लेकिन हम तो बेस्ट जानना चाह रहे हैं ना। यही तो रोबो लॉन्च का, लॉन्च करने का तात्पर्य या पर्याय यही था कि लोगों को एक छत के नीचे रोबोटिक टेक्नोलॉजी के सारे माध्यम मिल जाएं। अच्छा पॉइंट ये है इस टेक्नोलॉजी का, एक्यूरेसी ठीक है। बुरा पॉइंट क्या है? 5 चीज़ें हैं भाई जो किसी भी बीमारी का कारण बन सकती है। एक बार किसी ने घुटनों की रीसर्फेसिंग करवा ली, कितने साल तक ये घुटने जो हैं ये काम करते रहे? आप मरीजों को उनके घर से भी ले आते हैं या फिर आप मरीजों को बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, इवन तक कि हवाई अड्डे से भी लेकर आते हैं? हमारे पेशेंट को कभी भी वेटिंग नहीं करनी पड़ती है इसी कारणवश, क्योंकि हम पहले ही उनका टाइम जो निर्धारित कर देते हैं कि उनको इस समय पे यहाँ पे पहुँचना है।